हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम के बारे में पढ़ाते हैं। सबसे पहले इसमें कूलाम का नियम, कूलम्स ला। वैज्ञानिक जो कूलाम है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक। इनका पूरा नाम चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम्स है। इनका पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन डे कूलाम्स, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि अगर दो स्थिर आवेश हैं, एक आवेश Q1 मान लेते हैं और एक आवेश Q2, और ये कुछ दूरी में मान लो स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, तो कूलाम के नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और क्या बताया, इनके बीच जो बल काम करता है इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियमों को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कोई नीतांग K जोड़ देंगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। K एक अनुक्रमानुपाती नीतांक है, इसका मान इन आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो F बराबर वायु या निर्वात है तो K 1/4πε0 Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर, 1/4πε0। तो इसका जो मान होता है 1/4πε0 वो 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं F बराबर 9×10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ ε₀ निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका मान जो होता है 8.85×10⁻¹² कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बीमा m-1 l-3 t4a² होती है। ये हो गया कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर दोनों समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये जो बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। के ये जो होता है अचालक के लिए, अचालक या कुचालक पदार्थों के लिए जो के का मान होता है 1 से अधिक होता है। जैसे कागज है, कागज के लिए के का मान 80 होता है, सॉरी पानी है, जल, पानी, पानी के लिए के का मान 80 होता है और कागज के लिए के का मान जो होता है वो
पांच होता है। और जो धातुएं हैं, धातुओं के लिए जो के का मान होता है वो इन्फिनाइट होता है। अगर दोनों आवेशों के बीच कोई धातु रख दी जाए तब उनके बीच जो बल काम करेगा वो जीरो काम करेगा, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह धातुओं के बीच जो के का मान होता है वो इन्फिनाइट होता है। कूलाम का नियम का महत्व तो क्या है? इस नियम के अनुसार बहुत बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी दूरियों को ज्ञात किया जा सकता है। ये कूलाम के नियम का दैनिक जीवन में महत्व है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।